दोस्तों ए बी डी आर एल टेस्ट है, ए बी डी आर एल का कार्ड है इसके पास, तो इसको पहले भरते हैं, उसके बाद जो है कि प्लेन टेस्ट ट्यूब लेते हैं, प्लेन टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे, प्लेन टेस्ट ट्यूब है इस, उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे दोस्तों। इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें जो सीरम आएगा उसी से इसका टेस्ट लगाएंगे, इसे सेंट्रीफ्यूज में डालो। सेंट्रीफ्यूज डालने के इसको 12 से 15 मिनट तक करते हैं दोस्तों, तब तक वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो गाइस हमारा 12 मिनट हो गया है, हमारा जो सीरम निकलेगा उसी से हम लगाएंगे टेस्ट सैंपल निकल। जैसे एसएसटी टेस्ट में ले सकते हो, प्लेन टेस्ट में ले सकते हो, या किसी प्लेन कंटेनर में लेकर सीरम सॉरी उसमें सेंट्रीफ्यूज में डालकर सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करने के बाद जो है ये हमारा सिफिलिस का यानी कि बी डी आर एल का कार्ड है, और उसके बाद जो है कि इसमें 50 माइक्रो लीटर दोस्तों हमारा वन ड्राफ्ट होता है, माना जाता है कि देखिए ये सिफिलिस लिखा हुआ है, और सी का मतलब कंट्रोल और टी का मतलब टेस्ट और यस का मतलब सीरम डालना है। इसमें से 50 माइक्रो लीटर ले लिए, और सीरम लेने के बाद जो है इसमें डाल दिए, और इसको 20 से 25 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, इसका रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास जो है निगेटिव। दोस्तों देखिए सैंपल किस तरह रनिंग कर रहा है, और देखते हैं क्या होता है इसमें। इसको हम 20 मिनट तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर जो चीज़ जो जांच समझ में नहीं आ रही है वो हमारे कमेंट में लिखें, हम आपको इस लैब में नहीं होगा दूसरे लैब में दिखाएंगे, बड़ी लैब में दिखाएंगे, मगर जरूर बताएंगे किस तरह टेस्ट किया जाता है, और जिस तरह की जाँच समझ में ना आए वो सब भेजें, हम सब दिखाएँगे, थायराइड विटामिन B12 HbA1c सब दिखाएँगे दोस्तों, फुल ऑटोमेटिक मशीन में दिखाएँगे। और तो हमारी तरफ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस हमारा जो है 15 मिनट हो गया है, इसके बाद देखिए किस तरह जो है कि हमारा किट जो है देखिए कंट्रोल हो गया, इसमें कंट्रोल पर लकीर आई है यानी कि कंट्रोल है, अगर टी के सामने आया होता तो टेस्ट यानी कि पॉजिटिव हो गया होता BDRL यानी कि सिफिलिस। और अगर दोस्तों किसी तरह की जांच हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, हम ज़रूर करेंगे उसको, और हम कमेंट पढ़ते रहते हैं ऐसी बात नहीं है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि उससे मालूम चले कि हम कोई अगर वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों जय हिंद।